30 मई की शाम 7 बजे राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह। शपथ से पहले पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की। लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी, अब असम और झारखंड के प्रदेश अध्यक्षों ने इस्तीफे की पेशकश की। गुजरात में कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर ने राज्य के डिप्टी सीएम नितिन पटेल से मुलाकात की, बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। शारदा घोटाले में पूछताछ के लिए कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए, कहा छुट्टी पर हूँ। मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा के गुरुग्राम और बिहार के बेगूसराय में मुस्लिम युवकों पर हमला, टोपी हटाकर जय श्री राम का नारा लगवाया, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। ओडिशा में नवीन पटनायक बीजेडी विधायक दल के नेता चुने गए, 29 मई को रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। सिक्किम में 24 साल बाद पवन कुमार चामलिंग का राज खत्म, प्रेम सिंह तमांग राज्य के नए मुख्यमंत्री बने। रायबरेली की जनता के नाम यूपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी की चिट्ठी, कहा लड़ाई कितनी भी लंबी हो पीछे नहीं हटूंगी। और लाहौर से 100 किलोमीटर दूर नारोवाल में ऐतिहासिक गुरु नानक महल में तोड़फोड़।